गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, किसकी, रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है और जो भी लॉस हो रहा है। उसमें क्या है, हम क्या चैप्टर क्या कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हम किस टर्म में देखेंगे, किस कंडीशन में देखेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर एडमिशन ले रहा होता है, तो उस केस में आपकी रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की कैसे ट्रीटमेंट होगी। उन्होंने क्या कहा है, एंट्रीज है आपकी इसमें कुछ, अगर आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर आप अपना प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इसमें पार्टनर्स में, उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या आएंगी आपकी, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, साथ में और क्या आएगा आपका डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा आपका, ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री होगी कब, जब आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स में, जो भी आपका रिजर्व है, जो भी आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। सेकंड है फॉर डिस्टर्बिंग एक्युमुलेटेड लॉसेस, अगर आपको अपने अभी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो आपकी डेबिट तीन साइड जाएगी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस के केस में क्या होगा आपका, उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा इन द सेंस कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, जितनी भी आपका प्रॉफिट होगा, जितने भी आपके लॉस होंगे, वो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करने हैं। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हो गए साथ में, टू, एक तो जनरल रिजर्व आपका जाएगा, सॉरी ये तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू साथ में क्या होगी आपकी, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, साथ में क्या जाएगा आपका, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये किस केस में है, जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये उस केस में आपकी एंट्री है। तो ये एंट्रीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। थर्ड है फॉर डिस्टर्बिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, आपको सरप्लस क्या करना है, प्रूफ, मतलब एक स्पेसिफिक रिजर्व में क्या होगी उसकी एंट्री, उसमें क्या करना है आपको, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट होता है उसको डेबिट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या होगा आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या आएगा, टू टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी प्रॉफिट के केस में है, ये आपकी लॉस के केस में है, और ये क्या कर रहे हैं आप, अपना सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तीन एंट्री है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। अभी मैं इस बिहाफ पे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाती हूं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, लीला एंड मीता टू पार्टनर्स हैं,
इनकी रेशो कितनी है? 5:3। लीला रेशो मीता, दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 5:3। 5:3 इट मीन्स 5+3 कितना हो गया? 8। लीला की है 5/8 और मीता की है 3/8, ये रेशो है आपकी। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? ऑन 1st April 2018 दे एडमिट ओम एज अ न्यू पार्टनर। 1st April 2018 को कौन एंटर कर रहा है? ओम एंटर कर रहा है। ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता शोड अ बैलेंस। जब ओम ने एडमिशन लिया उस टाइम बैलेंस शीट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? लीला एंड मीता की शो में मीता क्या कितना बैलेंस शो करा था? 1,60,000 इन जनरल रिजर्व, मतलब कि जो जनरल रिजर्व थे वो 1,60,000 थे और 2,40,000 क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्रेडिट बैलेंस था आपका। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, एंट्रीज पास करनी है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफर करना है, उस केस में एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या आता है? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? लीला एंड मीता। टू लीला कैपिटल अकाउंट, साथ में टू मीता। अब जनरल रिजर्व आपके कितने थे? 1,60,000 के। 1,60,000 के। अब लीला को कितने देने हैं और मीता को कितने देने हैं? लीला की रेशो कितनी है? 5/8। तो लीला की हम क्या करेंगे? 5/8 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आ जाती है आपकी? 1,00,000। ये आपकी 1,00,000 आ गई। अब हमने किसकी निकालनी है? मीता की। मीता की भी कैसे निकाल लेंगे? 1,60,000 अपॉन में कितनी थी मीता की? 3/8। कट करोगे 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60,000। तो ये किसकी एंट्री आ गई? किसकी? वो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, लीला के 1,00,000 चले गए और मीता के 60,000। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो आपका बैलेंस दिया हुआ है कितना? जो आपका बैलेंस दिया हुआ है 2,40,000, उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? अब क्रेडिट बैलेंस इट मींस वो आपका प्रॉफिट है, तो क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीला एंड टू मीता। शॉर्ट में लिख रही हूं, एल फॉर लीला एम फॉर मीता। अब कितना था? 2,40,000। तो 2,40,000 आपका डेबिट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर चलेगा, लीला और मीता में डिवाइड करना है 2,40,000 का। कितनी थी लीला की? 5/8। 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1,50,000। देन 2,40,000 मीता की कितनी है? 3/8। सेम प्रोसीजर चलेगा, 90,000 आ जाएगी। तो इस केस में कि जब आपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। अगर लॉस है उनको, अगर जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपकी ये एंट्री होगी, लेकिन वो ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड होगा। तो आपके ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस ट्राई करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपने इस केस में कुछ एंट्रीज दी हुई है, ये भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। उन्होंने फर्स्ट क्या दिया हुआ है? इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट, अगर आपको कोई भी क्लेम नहीं दिया हुआ है किसके अकॉर्डिंग? वर्कमैन कंपनसेशन के अकॉर्डिंग। उस केस में आपकी एंट्री क्या होती है? इफ नो क्लेम, नो क्लेम, उसमें एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
ऑर्बिट किसमें ओवर डिवाइड, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या है, अगर आपको कोई भी क्लेम नहीं दिया हुआ है। सेकंड क्या है, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब इसमें तो बिल्कुल भी जो वर्कमैन कंपनसेशन है क्लेम उन्होंने बिल्कुल ही नहीं दिया। सेकंड केस क्या कहता है, कुछ अमाउंट में पे किया, लेस अमाउंट, उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये तो सेम रहेगी, लेकिन टू में एक और चीज आ जाएगी आपकी, वो क्या आएगी, प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उस केस में आपकी ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड केस क्या है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इक्वल अमाउंट पे करता है। सपोज करो कि वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट आपकी 50,000 है और आप वो क्या कर रहा है, इक्वल 50 के बदले 50 ही पे कर रहा है, इसमें 50,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट थी, तो इसमें कोई भी क्लेम मतलब कुछ भी पैसा नहीं दिया। इसमें क्या किया, 50,000 ना देकर उसने 20,000 दिया, कुछ अमाउंट में पैसा दिया। इसमें कितना है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 50,000 है तो उसने इक्वल पे किया, कितना 50,000, उस केस में एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, साथ में क्या बन जाएगा अब, टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। अब आपको ये कब है, जो वर्कमैन कंपनसेशन टू प्रोविजन, यहां प्रोविजन लिखना भूल रही हूं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कब, जब वो इक्वल अमाउंट पे कर रहा है। अब नेक्स्ट केस क्या है, इफ द क्लेम इज मोर देन पे, मतलब अगर क्या हुआ है कि इस इक्वल 50,000 आपका सपोज करो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो अगर वो इक्वल ना देके उससे ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है, मतलब अमाउंट पे मोर देन अमाउंट पे करता है, तो उस केस में आपकी दो एंट्रीज होंगी। फर्स्ट क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, साथ में क्या डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों डेबिट होगा, कि वो अपने अकाउंट को दोबारा चेक किया तो उसमें कुछ एरर आया और उसमें कि कुछ गैप है कि उसने इतना ना पे करके कितना ज्यादा अमाउंट पे किया, तो जो अमाउंट एक्स्ट्रा में होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को एज ए प्रॉफिट मानकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो उस केस में आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इसमें प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। अब तो ये क्या होगी, ये चीज आपने रिवैल्यूएट कर दी, अब उसके बाद जो आपने क्या करनी है, जो आपका रिवैल्यूएशन अमाउंट मतलब कि एक्स्ट्रा बची है जो आपने ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो उस केस में आपकी एंट्री मतलब कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो एक टाइप से क्या होता है, लॉस होता है ना आपका रिवैल्यूएशन की, आपने आपको एरर पता चली है, कोई फ्रॉड हुआ है कोई बीच में, आपने गलती से कोई एंट्री मिस्टेक कर दी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, उसको लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है ट्रांसफर करने पर एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की जितनी भी कैपिटल होगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस केस में आपकी ये एंट्रीज होगी। अब मैं आपको इसके बीच में क्वेश्चन बताती हूँ, आपको तब क्लियर होगा। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी पार्टनर्स, थ्री पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 2:2:1, थ्री पार्टनर्स हैं, ए रेशो बी रेशो सी, रेशो कितने दिए 2:2:1, टोटल कितना हो गया 5,
इट मीन्स ए की भी 2/5, बी की 2/5 और सी की 1/5, ये आपकी रेशो गिवन है। आगे क्या दिया हुआ है आपको, दे एडमिट डी, डी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर्स के साथ विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 को, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2017। आपको बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है आपको 80,000 आपको दिया हुआ है। तो 80,000, अब फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस में कि अगर कोई भी क्लेम नहीं हो रहा हो, उस केस में मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू होल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट दी हुई है 80,000, उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, सेम टू होल्ड पार्टनर्स है ना, यहां पे क्या होगा, अब यहां देखो ए बी सी 2:2:1, 2/5, 2/5 एंड 1/5। अब यहां पे हमने क्या, कोई भी क्लेम नहीं दिया हुआ है, उसकी अमाउंट कितनी है 80,000 है वर्कमैन कंपनसेशन की, जो वर्कमैन कंपनसेशन है वो कितना है आपका 80,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं 3, ए बी एंड सी, तो ओल्ड पार्टनर्स कट करके 2, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। अब आपने जो 80,000 की अमाउंट है, जो ये 80,000 है, आपको इस रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने हैं। क्या करोगे, 80,000 को 2/5 करोगे, इन दोनों की सेम ही आएगी वैल्यू, उसके एक ही बार कैलकुलेट करूंगी 32,000 ए की आ गई, 32,000 बी की आ गई। अब हमने सेम 80,000 का 1/5 भी करना है, वो कितना आ जाएगा 16,000। तो जो ये 16,000, 32,000 एंड 32,000 है, ये तीनों पार्टनर्स में क्या होगी, डिवाइड हो गई। सेकेंड केस में क्या कहते हैं कि वो कुछ अमाउंट पे कर रहा है, कुछ अमाउंट की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कितना है 80,000 का है, और वो कितना पे कर रहा है 50,000। उस केस में क्या रहेगा आपका, ये एंट्री सेम होगी, सिर्फ क्या आ जाएगा, प्रोविजन आ जाएगा यहां पे, टू प्रोविजन। अब 80,000 में से कितना पे कर रहा है 50,000 वो पे कर रहा है, 80 में से 50 उसने पे कर दिया, कितना बचा 30,000। फर्दर क्या करोगे, 30,000 का 2/5, अगेन 2/5 एंड सी की 1/5, तो कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 आपकी ए की आ गई, 12,000 बी की आ गई और सी की कितनी है 30,000 का अगर हम 1/5 करेंगे 6,000 आ जाएगा। तो ये आपकी अमाउंट है जो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। थर्ड केस में क्या बताया था कि जो वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग ही वो इक्वल अमाउंट पेमेंट कर रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट कितनी थी 80,000 और वो कितना पे कर रहा है 80,000 ही वो दे रहा है। उस केस में आपकी एंट्री क्या बताई थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना था 80,000। यहां भी क्या आ जाएगा आपको क्रेडिट में 80,000, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल। नेक्स्ट आपकी केस 4 क्या था कि ज्यादा पेमेंट कर रहा है, उस केस में आपकी दो एंट्री बताई थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। अब कितना था आपका 80,000 था, 80,000 वर्कमैन कंपनसेशन था। अब उसने पे कितना किया, कितना पे किया था यहां पे उसने 1 लाख, 1 लाख पे किया। तो 1 लाख में से अगर आप 80,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20,000। जो 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आई है वो क्या एक टाइप से आपका लॉस है, तो वो आपका जो 20,000 है वो इसमें आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 20,000 डेबिट हो गए, फिर फर्दर यहाँ पे टोटल प्रोविजन कितना हो गया आपका 1 लाख का, ठीक है। अब आपने सेकेंड एंट्री और करनी है कि जो आपका लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो ये अमाउंट एक्स्ट्रा आई है 20,000, इसको ओल्ड पार्टनर्स में आपको डिवाइड करना है। उस केस में आर एंट्री क्या बताई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कितने हैं 3, ए इज कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा यहाँ पे
ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है आपकी 20,000, टू में तो आपको पूरा 20,000 अमाउंट आ जाएगी। देन आपने क्या करना है, 20,000 को 2/5, 2/5 एंड 1/5 करना है। 8,000 ए की आगी, 8,000 ये बी की आएगी, और जो 20,000 का 1/5 बनेंगे 4,000 सी की आ जाएगी। ए की कितनी थी 8,000, बी की भी 8,000 थी, और सी की कितनी थी 4,000। तो रिवैल्यूएशन में क्या चला जाएगा आपका 20,000 अमाउंट। तो इसमें आगे इसी बेस पे आपके कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो भी आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये आपके नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड लक।